अगर आप अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन एनिमेशन सीखना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो को प्ले किया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने घर पर बैठकर ही ऑनलाइन एनिमेशन के बेसिक्स को सीखना शुरू कर पाएंगे। नाउ दिस इज नॉट अ करियर एडवाइस और अ काउंसलिंग वीडियो, लेकिन इसके अंदर आपको बेसिक लेवल ऑफ एनिमेशन लर्निंग के बारे में बहुत ही कुछ नई जानकारी जानने को मिलेगी। तो चलिए पता करते हैं हाउ टू लर्न एनिमेशन ऑनलाइन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज की सीरियसनेस को समझने से। अब अगर आप थोड़े से स्पोर्ट्स के कुछ ज्यादा ही बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप इस बात को जानते होंगे कि किसी भी मैच को शुरू करने से पहले सारे के सारे प्लेयर्स एक कॉमन रूम टाइप की जगह पर बैठकर अपने आने वाले मैच के बारे में ढंग से प्लानिंग करते हैं। अब देखो यार, मैं पर्सनली एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड वीडियो गेम्स के ऊपर जरूर जाता है, और इसी वजह से मैंने कई बार GTA 5 को खेलते वक्त ये चीज नोटिस की है कि जब भी हम लोग किसी मेन मिशन के ऊपर जाने वाले होते हैं, तो उससे पहले गेम के हमारे उस मिशन के सारे कैरेक्टर्स एक बोर्ड के ऊपर उस आने वाले मिशन से रिलेटेड प्लानिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं। और ठीक इसी तरीके से एनिमेशन को सीखने की इस जर्नी की एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये इतनी हार्ड होने वाली है कि अगर इसके ऊपर बिना फोकस के काम शुरू किया या फिर करोगे, तो सबसे पहली चीज, एक तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, टाइम बर्बाद होगा, और सबसे बड़ी चीज आपकी हेल्थ बर्बाद होगी। ये कोई डिमोटिवेशन नहीं है, तो इसको एक अवेयरनेस एडवाइस की तरीके से समझो। मैं खुद क्योंकि 3D एनिमेशन फील्ड से हूं, तो मैं इस बात को मानता हूं कि एनिमेशन के बेसिक्स को सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है मेरे दोस्त। तो हमारे ऑनलाइन एनिमेशन सीखने के इस प्लानिंग बोर्ड के ऊपर सबसे पहली चीज जो जुड़ी है वो ये है कि भाई खुद से अगर अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन एनिमेशन सीखना है ना, तो रियलिटी के अंदर ये काम हार्ड होगा। अब मैंने जो है ना वो कई सारे तरीकों को छांटने के बाद ये कुछ स्टेप्स निकाले हैं जिनसे आप एनिमेशन के अंदर एक बेसिक लर्निंग एंट्री कर सकते हो, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो स्टेप्स बताऊं, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि क्या आप उनको फॉलो कर भी पाओगे। जैसे कभी कभी कुछ एनिमे के अंदर ऐसे सीन नहीं होते जब हमारा मेन हीरो खुद से ऐसे सवाल पूछता है कि कौन हूं मैं, क्या चाहिए मुझे और कहां पे जाना है मुझको। ठीक वैसे ही आप भी खुद से पूछो कि कैन यू फाइट बैक एंड विल ट्राई योर बेस्ट टू लर्न दिस न्यू स्किल। अब मैं आपको जो सच्चाई है वो बताना चाहूंगा कि अगर आपकी या फिर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति सही है, तो ऐसे में आप 2 से 4 लाख रुपए लगाकर किसी इंडियन एनिमेशन इंस्टीट्यूट से एनिमेशन के बेसिक्स को सीख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि इस तरीके से एनिमेशन सीखना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स होंगे वो आपको एटलीस्ट इतना तो बता ही रहे होंगे कि एनिमेशन के अंदर शुरू और सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन इससे हटके जब आप बिना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाए खुद से सीखने बैठोगे, तो ऐसे समझ लो कि एनिमेशन को सीखने की हर वो चीज जो सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको खुद से ही फिगर आउट करना पड़ता है, जिसे एक्चुअल में करना कभी कभी आपके दिमाग की खिचड़ी बना देता है। तो इसीलिए एनिमेशन को सीखना शुरू करने से पहले खुद से जरा एक बार पूछो कि क्या आपके पास वो फाइट बैक एंड लर्न इट द हार्ड वे वाला पैशन है। अगर आपका जवाब ये है कि मैं खुद से एनिमेशन सीखने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ और इसकी सीरियसनेस को समझता या समझती हूँ, तो चलो मैं आपको वो स्टेप्स बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। अब सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसी लॉजिक की वजह से 3D एनिमेशन को सीखने के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप एंड 2D एनिमेशन को सीखने के लिए ड्रॉइंग स्किल्स एंड ड्रॉइंग टैबलेट्स की जरूरत होती है। अब वैसे तो दुनिया में कई सारे एनिमेशन स्टाइल्स हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड डिमांड के मामले में 3D एंड 2D एनिमेशन मेन स्ट्रीम है। इसीलिए अगर आपको 2D एनिमेशन के अपना करियर बनाना है, तो आपको जो सबसे मेन चीज आनी चाहिए वो है ड्राइंग एंड ड्राइंग। आपको ड्राइंग एंड आर्ट की इतनी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए कि आप किसी भी कैरेक्टर या फिर एनवायरनमेंट को लिमिटेड सोर्स मटेरियल के होने के बाद भी समझ पाएं और ड्रॉ कर पाएं। और ठीक ऐसे ही 3D एनिमेशन के बेसिक्स को सीखने के लिए एटलीस्ट एक ऐसा लैपटॉप तो चाहिए ही है जिसमें करीब 16 GB रैम, 4 GB का ग्राफिक कार्ड्स एंड एटलीस्ट i7 प्रोसेसर तो हो ही। तो स्टेप्स ऑफ लर्निंग एनिमेशन ऑनलाइन की स्टार्ट कुछ ऐसे होगी कि सबसे पहला काम उस एनिमेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना है जिसको आप सीखना चाहते हो। अब क्योंकि यार मैं 3D एनिमेशन से हूं, तो मैं इन सारे स्टेप्स के अंदर 3D एनिमेशन को एज एन एग्जांपल लेकर चलूंगा, लेकिन आप इन्हीं सारे स्टेप्स का यूज करके किसी भी दूसरे एनिमेशन के बेसिक्स को सीखना शुरू कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि गूगल के ऊपर जाओ और सर्च करो व्हाट इज 3D एनिमेशन। एंड अब इसके बाद जितने भी टॉप ब्लॉग सर्च रिजल्ट के अंदर आए उन सभी को एक एक करके पढ़ने बैठो और एक कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलो। इस पहले स्टेप के अंदर और इसको फॉलो करने से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको ये बताने वाली है कि आपका चुना हुआ एनिमेशन टाइप असल में कितना ज्यादा वास्ट है। स्टेप नंबर 2 के अंदर अब आपको गूगल पे सर्च करना है पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ 3D एनिमेशन, और एक बार फिर से जितने भी आर्टिकल्स या वीडियोस हो सके उनको देखो, पढ़ो और ढंग से समझो और उनके नोट्स बनाओ। इस वाले स्टेप के अंदर उस एनिमेशन के पार्ट्स को सर्च करने से आपको ये पता चलेगा कि एनिमेशन तो बस एक नाम है। असल में इसके अंदर सिर्फ एनिमेशन से हटके भी और बहुत से काम होते हैं, और जितने ज्यादा तरीके के काम मतलब कि उतने ही ज्यादा तरीके की जॉब्स। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि स्टेप 2 के अंदर पढ़ने और समझने के लिए बहुत कुछ है।
स्टेप नंबर 3 के अंदर अब आपका काम थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होने वाला है। इस स्टेप के अंदर आपको करना ये है कि आपने जो स्टेप 2 के अंदर वो पार्ट्स ऑफ एनिमेशन को देखा और समझा था, अब आपको स्टेप 3 में उन सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके सेपरेट इन्फॉर्मेशन को गूगल पे सर्च करके उनको और भी ज्यादा ढंग से समझना है। अब देखो यार, क्योंकि अब आप एनिमेशन को सीखने बैठे हो तो ऐसे में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप उसके हर एक पार्ट के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पर अवेयर तो हो ही जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टेप 2 के अंदर कहा कि जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उनको करने के लिए उतने ही तरीके की जॉब्स एंड फील्ड्स भी होंगी। ऐसे में उन सभी के बारे में एक बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या पता आपको ऐसी ही कोई फील्ड ज्यादा अच्छी लग जाए। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर एनिमेशन के सारे पार्ट्स के बारे में और भी ज्यादा वीडियोस को देखना है एंड और भी ज्यादा फोकस के साथ इन्फॉर्मेशन को समझना और पढ़ना है। तो अब हमारे सामने आया है वो स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है स्टेप नंबर 4। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ढूंढना है जिनके ऊपर आप एनिमेशन को कर पाओगे, और उन सॉफ्टवेयर्स को पिक करते वक्त ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि वो सॉफ्टवेयर पहले तो फ्री टू यूज हो, उनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता हो और जिनके पीछे एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट की कम्युनिटी हो। एंड मेरे ख्याल से 3D एनिमेशन के लिए ब्लेंडर और 2D एनिमेशन के लिए क्रीटा स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अब काश कि यार मुझे इन दोनों ने स्पॉन्सर किया होता तो बहुत मजा आ जाता, पर नहीं, ये कोई स्पॉन्सर फिर प्रमोशन नहीं है। लेकिन 3D एनिमेशन के लिए ब्लेंडर एंड 2D एनिमेशन के लिए क्रीटा सही में काफी ज्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि एक स्टार्टिंग फेज के लिए एंड इवन एक एडवांस्ड फेज के लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल एंड बढ़िया साबित हो सकते हैं। स्टेप नंबर 5 के अंदर अब आपको ये काम करना है कि मैंने जो आपको कहा था ना कि आर्टिस्ट की कम्युनिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के पीछे, तो बस अब आपको इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसे ही ऑनलाइन फोरम्स एंड आर्टिस्ट की कम्युनिटीज को ढूंढना है और उनके अंदर जाकर ज्वाइन हो जाना है। इस काम को करने के लिए आप रेडिट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड और क्वेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन शायद अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे होगा क्या। तो देखो यार, इससे होगा ये कि जब आप ऐसे कुछ आर्टिस्ट कम्युनिटीज के अंदर ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप अलग अलग फील्ड्स एंड एक्सपर्टीज के आर्टिस्ट से बातचीत कर पाओगे। अगर आपके साथ उस एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी ही छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के सलूशन ले पाओगे और दुनिया भर के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल्स एंड एक्सपर्ट्स के एडवाइजेस से सीख पाओगे। एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि आपको फ्री में दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट्स एज अ टीचर के तौर पे मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 6 के अंदर अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो चुकी होगी। जब तक कि आप इस स्टेप के ऊपर पहुंचोगे तब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि एनिमेशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि आपके लिए बना है, और अगर ऐसा सही में हो चुका होगा तो अब आपको अपने उस पार्ट को पकड़कर उसके अंदर अपने पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना है, जिसके लिए आप YouTube एंड Google का ही यूज करके फ्री में ही ट्यूटोरियल्स एंड क्लासेस को फॉलो करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के लिए आप सर्च कर सकते हो ब्लेंडर 3D मॉडलिंग बेसिक्स या फिर क्रीटा कैरेक्टर एनिमेशन बेसिक्स, और इसके आगे अब और क्या, बस सीखते चलना है। फ्री तो ऑलमोस्ट बाकी सब चीजें हैं ही, अगर कोई चीज खर्च होगी तो वो है आपका टाइम एंड आपका दिमाग। स्टेप नंबर 7 के अंदर आपको अपने चुने हुए एनिमेशन से रिलेटेड दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट्स एंड अपडेट्स को फॉलो करते रहना है और हमेशा ये सीखते रहना है कि इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप सीखने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर नहीं करोगे तो एनिमेशन इंडस्ट्री आपको पीछे छोड़ देगी। और फाइनल स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 8 के अंदर मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है कि एनिमेशन को सीखते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। माना कि आप अभी एनिमेशन के बेसिक्स को सीख रहे हो, बट ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि बेसिक ही अगर मजबूत नहीं होंगे ना तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी या फिर कितनी ही शाइनी क्यों ना हो, वो एक ही झटके के अंदर गिर जाएगी। सो इसीलिए एक एक करके बड़े ही आराम से और पूरे फोकस के साथ एनिमेशन के बेसिक्स को समझो एंड इस अमेजिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाते चलो। तो अब ये तो थे वो स्टेप्स जिनका यूज करके आप एटलीस्ट 2D और 3D एनिमेशन के बेसिक्स को सीखना शुरू कर सकते हो, पर अब इनके बाद मैं आपसे थोड़ी सी कड़वी सच्चाई वाली बात करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि इस चीज को सीखना शुरू करने में जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दिन रात एक करके इसको सीखने बैठ जाऊंगा तो आपका ये फैसला बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। सच्चाई एंड लॉजिक तो असल में ये है कि किसी भी एनिमेशन के बेसिक्स को सीखने के लिए 2-3 घंटे मोर देन इनफ है। और इसके साथ ही प्लीज यार, अगर आपके पास कोई लैपटॉप या फिर कोई ड्रॉइंग टैबलेट नहीं है और आप अभी एक स्टूडेंट हो और ये सोच रहे हो कि मैं जिद वगैरह करके अपने पेरेंट्स से ये चीजें मंगवा लूंगा, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एनिमेशन को सीखना शुरू करने के लिए कभी भी लेट नहीं होने वाले, बिकॉज ये फील्ड उन इंडस्ट्रीज के अंदर में से है जहाँ पे स्कोप और स्किल्स दोनों की डिमांड कॉन्स्टेंटली चेंज एंड एक्सपेंड होती जा रही है, एंड इसीलिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है इसको सीखने के लिए, लेकिन आपकी जो स्कूल एंड स्टूडेंट लाइफ है वो अभी है। दैट्स व्हाई अपना पूरा फोकस अभी सिर्फ उसी के ऊपर लगाओ और बाद में जब सही वक्त आए तब इसको सीख लेंगे, क्या दिक्कत है।
और इन बेसिक्स के बाद अब एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए आप अपने उसी बेसिक सीखे एनिमेशन का ही यूज कर सकते हो। एंड इस काम को करने के लिए आपको एक बार फिर से गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर आपको ये सीखना शुरू करना है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, जिसको ढंग से समझने के बाद आप कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्वाइन हो जाइए जहां पे आप अपनी एनिमेशन की बेसिक स्किल्स का यूज करके क्लाइंट वर्क्स ले सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि फ्रीलांसिंग के ऊपर पैसे कमाना आसान है या फिर यहां पे काम करके आप एकदम से करोड़पति या फिर लखपति बन सकते हैं, पर हां, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पहली चीज तो ये कि आप क्लाइंट्स एंड टाइम शेड्यूल के साथ काम करना सीख पाओगे और दूसरी चीज ये कि आपने वो जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे आप उन्हीं का यूज करके आप जो है वो पेड एनिमेशन कोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स की क्लासेस को अटेंड कर पाओगे। सो यू कैन अनलॉक द लेजेंडरी लेवल ऑफ एडवांस्ड एनिमेशन। इसके साथ ही अब वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन और बिगिनर एनिमेशन एंथुसियास्ट के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। ये वीडियो और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही में अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक बार एक लाइक एंड इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना जिनको एनिमेशन सीखने का मन है। और इसके साथ ही अगर आप हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस अब इसी के साथ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज स्टे ऑसम।